अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने अपने गूगल यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो खोला हुआ है और यहाँ पे एक चीज़ आपको चेक करानी है। बहुत सारे लोग उसको यूट्यूब के अपडेट कहते हैं, लेकिन ये यूट्यूब की तरफ से एक क्रिएटर को उसकी जो कारकर्दगी है उसके बारे में बताया गया कि वो उसको कैसे जज कर सकता है और उसको इम्प्रूव कैसे कर सकता है। आपकी हेल्प के लिए है तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके चैनल के जितने भी व्यूज हैं लास्ट 28 दिन के वो शो हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। रियल टाइम शो हो रहा है और आपके चैनल के कुछ वीडियोस के बारे में बताया जा रहा है कि इतने व्यूज आ रहे हैं, इस पे ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ पे टिप है, टॉप टिप्स फॉर थंबनेल, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको थंबनेल्स हेल्प व्यूज चूज यू लेट्स सी योर थंबनेल आर डूइंग। ये कह रहे हैं कि आपके जो थंबनेल हैं वो आपके व्यूज को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, ये चीज उन्होंने बतानी है कि आपने कैसे थंबनेल बनाने हैं। दिस थंबनेल आर वर्किंग वेल, ये जो 3 थंबनेल हैं मेरे चैनल पे ये अच्छा वर्क कर रहे हैं, ये ज्यादा इस पे व्यूज आ रहे हैं इन लोगों को देखते हुए। तो आपने भी अपने चैनल पे ऐसे चेक करना है। तो ये थंबनेल के बारे में बता रहे हैं कि एवरेज चांस टू शाइन, कि आपका हर एक थंबनेल आपके चैनल को ग्रो करने में हेल्प करता है। मेक श्योर दे आर क्लियर और इजी टू रीड। तो ये जो मैंने थंबनेल यहाँ पे ये शो करवा रहा है, तो ये कह रहे हैं इनको ना क्लियर करें ताकि पढ़ने में भी आसानी हो और ये शाइन भी करें। स्टैंडर्ड और नेक्स्ट अदर थंबनेल, तो ये जो थंबनेल यहाँ पे दिखा रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो इनमें आपने चूज ये करना है कि आपने थंबनेल को कैसे बनाना है और इसको आपने अट्रैक्टिव कैसे करना है। यहाँ पे 3 स्टेप होने चाहिए आपके थंबनेल में। फाइंड योर स्टाइल, एक तो आप उसका जो टेम्पलेट है वो सिलेक्ट करें, चूज करें कि आपने कौन सा किस वीडियो कौन सी वीडियो बनाई है, उसका कैसा टेम्पलेट होना चाहिए। कीप इट स्माइल और उसको जरा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बनाना चाहिए। टारगेट योर ऑडियंस, तो उस डिजाइन को उस वीडियो के साथ थोड़ा सा मैच होना चाहिए और उसके बाद जो आपकी ऑडियंस देखना चाह रही है या आप जैसी ऑडियंस लेना चाह रहे हैं तो उस ऑडियंस को भी उसमें रखना चाहिए। थंबनेल एक तस्वीर होती है, एक पिक होती है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कार्टून बनाना, देखा होगा आपने बनाने बनाना कार्टून बना होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है, उसकी आईज होती है वो स्माइल कर रहा होता है। तो बनाना कार्टून क्यों होता है? जिस तरह आइसक्रीम है, आइसक्रीम के जो फ्लेवर्स होते हैं आपने देखा होगा, जो आइसक्रीम की मशीन होती है उसमें काफी सारे आइसक्रीम के फ्लेवर और वो कार्टून कैप्स होते हैं, तो वो अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो आपने ऐसे थंबनेल बनाने हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्ट करें, पुरकशिश थंबनेल बनाने हैं। तो ये जो सारा इन्होंने बताया ना 3-4 स्टेप्स में, यही बताया कि आपके ये वाले जो थंबनेल हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं और इन बाकी जो ये वाले हैं इनको मजीद अच्छा करने की कोशिश करें। तो आप अपने चैनल पे देख सकते हैं थंबनेल के बारे में। तो इसी तरह आपने अपने थंबनेल बनाने हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।